आज कर जो जानकारी किसान भाई बहन मन, खरीफ में मूंग और उड़द इकर देखभाल। जुलाई का महीना खरीफ फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस महीने की प्रमुख फसल वैसे तो धान है, लेकिन उड़द और मूंग समेत कई प्रकार के दाल की बुआई इसी महीने होती है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक उड़द और मूंग की बुआई बारिश शुरू होने पर कर देनी चाहिए। यदि बारिश में देरी हो जाए तो इन फसलों की बुआई पलेवा करके जुलाई के प्रथम पखवाड़े में समाप्त कर लेनी चाहिए। मूंग उड़द ये दोनों हमारी दलहनी फसलें हैं, खरीफ की प्रमुख फसलें हैं और ये कम अवधि की होती हैं और इसको आप अगर सही ढंग से इसकी खेती करें तो इससे अच्छे आप मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम उड़द की बात करें तो उड़द क्या है कि मध्य जून से लेकर के आप मध्य जुलाई तक कर लें और अगर किसी वजह से अगर आप विलम्ब हो रही हो तो इसकी मध्य अगस्त तक भी अगर आप बुआई कर लें तो इसकी आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यह जो अवधि होती है 75 से 80 दिनों के लगभग होती है और खास करके जैसे मूंग है तो मूंग की जो बुआई है वो 15 जून से 15 जुलाई तक आप अवश्य कर लें और खास करके जब इन फसलों का आप जब चयन करते हैं तो आप विशेष तौर पर ख्याल रखें कि जो आपकी ज़मीन है वो थोड़ी ऊँची हो और उसमें कहने का मतलब जल जमाव की कोई संभावना ना रहे जिसका कि विपरीत असर पौधों पर पड़ता है। यह इन फसलों का चयन करते हैं तो इसमें आप किस्मों का भी जो है वो ख्याल जरूर रखें। किस्में जैसे कि आपकी यहाँ की जो अच्छी संस्कृत किस्में जो हैं, खासकर हम उड़द की बात करें तो जैसे T9 है या हम पंत उड़द जो 19 कहते हैं या हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से जो निकली हुई है बिरसा उड़द 1, ये प्रमुख हैं। और खास करके यह जो उड़द की फसलें होती हैं ये क्या है कि इसकी फलियां जो हैं एक साथ तैयार होती हैं और यह क्या है कि आपको रोग रोधी भी हैं और साथ में क्या है कि इसकी जो है मिश्रित खेती अन्य फसलों के साथ भी आप इसको जो दो फसलों के बीच में भी आप लगा सकते हैं। वही अगर हम मूंग की बात करें तो मूंग में खासकर जैसे कि पूषा विशाल है जो कि खरीफ के लिए ही स्पेशली मूंग की है और इसकी उपज भी अच्छी होती है। उड़द की हम बात करें तो लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आ जाती है और मूंग की करें तो 12 से 15 क्विंटल की जो है इसकी उपज प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारी मूंग उड़द है कम अवधि में जो हमारी है फसल जो है तैयार हो जाती है और खास करके जैसे ये दलहनी फसलें हैं जिसकी बाजार भाव भी अच्छी रहती है जिससे किसानों को मुनाफा अच्छा मिलता है। यदि रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना है तो 1 किलो पेंडे मिथालीन को 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 1 से 2 दिन के भीतर एक बार जरूर छिड़काव कर देना चाहिए। ये है चूंकि आपके पास इसकी तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जब आप एक तो संस्कृत जो किस्में मैंने बताया तो उसका आप लें और साथ में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जैसे कि 20 दर की आवश्यकता होती है। जैसे उड़द है तो उड़द में कम से कम आपका जो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है इसकी आवश्यकता होती है और मूंग में जो है इसकी जो है करीब 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और जब आप इसकी खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप इसमें विशेष ख्याल रखें कि इसमें जो है आप कम से कम 2 से 3 जुताई जो है आप करने के बाद जो है इसमें 5 टन जो सरी हुई गोबरी खाद जिसको हम FYM कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, उसको आप पाटा लगाने से पहले खेत में समतल करके इसको लगा दें। और साथ में जैसे इसमें अगर हम उर्वरक की बात करते हैं तो जैसे कि हमारी उड़द होती है तो उड़द में कम से कम आपका जो है 25 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फोरस और 25 किलो पोटाश की मात्रा जो है वो आप खेतों में मिला दें। और जैसे कि आप बीज जब आप बीज बुआई से पहले उसमें बीजोपचार अवश्य कर लें। तो बीजोपचार करने में क्या है कि आप उसमें जैसे कि राइजोबियम कल्चर है उसका भी आप इस्तेमाल करें और साथ में जैसे कि रासायनिक आती है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका भी 2 ग्राम प्रति किलो, जिससे कई सी बीमारियों से आपको रोकथाम मिल जाती है। और खास करके जब आप फसल की बुआई करते हैं तो उसमें विशेष ख्याल रखें कि कतार से कतार जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें और पौधे से पौधे जो है वो 10 सेंटीमीटर दोनों की दोनों फसलों में, चाहे वो मूंग हो चाहे उड़द हो। तो इस तरह से आप करेंगे और खास करके जब बुआई के बाद जो है आप ख्याल रखें इसमें निराई गुराई की भी आवश्यकता पड़ती है चूँकि खरीफ मौसम में खरपतवार ज़्यादा आते हैं। तो उसमें क्या है 20 दिनों के बाद आप पहली जो है आप उसमें निराई गुराई करें और फिर 40वें दिन आप फिर एक बार निराई गुराई करें, इससे आपकी फसल जो है अच्छी प्राप्त होती है।